कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, नौजवान दिलों के धड़कन श्री राहुल गांधी जी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर साहिबान, देश के कोने कोने से आए भाइयों और बहनों, आज हम यहाँ पे एकत्र हुए हैं मोदी सरकार की किसान विरोधी ताकतों, किसान विरोधी नीतियों का मुकाबला करने के लिए। मोदी सरकार को आए तकरीबन एक वर्ष होने वाला है। इन 11 महीनों में मोदी जी ने देश के लोगों को और ख़ासकर किसानों को कई सब्ज बाग दिखाए, लेकिन हकीकत यह है कि इनकी किसान विरोधी नीतियों का अब भारत के किसानों, भारत के मजदूरों को सही सही अर्थ मिल गया है। देखिए कि कांग्रेस पार्टी किसानों मजदूरों के हितों के लिए हमेशा लड़ती रही है, और सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में इस संघर्ष में हम ज़रूर कामयाब होंगे। इलेक्शन की बात थी, मोदी जी हर जगह जा के कहते थे हम किसानों को उनके फसलों का उचित मूल्य देंगे, लेकिन हकीकत क्या ये है? हकीकत क्या है? चाहे गेहूँ हो, चाहे चावल हो, चाहे कपास हो, चाहे गन्ना हो, सब की कीमतें गिर रही हैं, और किसान भाई बहुत ही दुखी है। साथ ही बेमौसमी बारिश के खातिर किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं। हर पिछली सरकार इस मौके पर किसानों का हाथ पकड़ती रही है, लेकिन मोदी सरकार है कि इस बारे में उसको कोई फिक्र ही नहीं। और साथ साथ ये भी देखा गया है कि जो हमारे मनरेगा जैसी स्कीम हैं उनके ऊपर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जा रही, किसानों को उनकी उचित मजदूरी नहीं मिल रही, और इस तरह से किसान विरोधी नीतियों का अब पर्दाफाश होने वाला है। भाइयों और बहनों, ये जो ऑर्डिनेंस मोदी जी लाए हैं ये हमारे 2013 के एक्ट के खिलाफ उसका मंशा है कि उसको कमज़ोर किया जाए, किसानों को जो सुविधाएं दी गई हैं उनको रद्द किया जाए, और ख़ास तौर पे जो कंसेंट की ज़रूरत है, जैसे कि किसानों को उनकी मर्जी के खिलाफ कोई ज़मीन नहीं छीनी जा सकती, उसको अब बिल्कुल ख़त्म कर दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो सोशल इम्पैक्ट एवेल्युएशन का रखा था उसे भी उड़ाने की बातें चल रही हैं। हम इन किसान विरोधी ताकतों का बड़ी डट कर मुकाबला करेंगे, और सोनिया जी और राहुल जी से हम प्रार्थना करते हैं कि वो हमें इसमें अपना मार्गदर्शन दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब भाइयों का स्वागत करता हूं कि आप इतनी बड़ी मात्रा में यहां पे आके आपने हमारे हौसले बढ़ाए हैं। जय हिंद।